हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चरणदीप पॉडकास्ट में। दोस्तों, कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता है इंसान कि वो खुद का भला बुरा सोचना छोड़ देता है। इतने क्रोध में आ जाता है कि उसके वजह से घर में कलेश हो जाते हैं। कभी कभी इसका कारण ऐसा भी माना जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया या किसी ऐसी जगह पर उसका पैर पड़ गया, कुछ भूत बाधा ऐसा कुछ हो जाता है जिसके वजह से इंसान घर में लगातार कलेश करता है, एक तरफा कलेश करता है, किसी की नहीं सुनता है। यदि ऐसी कंडीशन आपके साथ में हो रही है, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से कलेश करता है, बेवजह छोटी छोटी बातों में इतना अधिक क्रोधित हो जाता है कि जिसको शांत करना मुश्किल हो जाता है, और उसके चलते यदि परिवार के आपके दूसरे सभ्य भी क्रोधित हो जाते हैं और घर में एक कलेश का माहौल बन जाता है, जहाँ खुशी और संपन्नता होनी चाहिए वहाँ पर कलेश और दरिद्रता का यदि वास हो गया है, और आपके लाख उपाय के बावजूद यदि ये चीज़ आपके घर से नहीं निकल रही है, तो इसके लिए बहुत ही आसान एक टोटका में एक उपाय बताने जा रहा हूँ। यदि इसको आपने कर लिया तो जिस किसी व्यक्ति को यानी अत्यधिक क्रोध आता है, या तो आप ऐसा बोल लीजिए कि उस पर कुछ भूत बाधा प्रेत है, या उसका पैर कहीं पड़ गया, या एक्स वाई जेड ऐसी कोई भी यदि रीज़न है जिस वजह से यदि वो व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आप इस एक उपाय को कर लीजिए। इसके करते ही वो व्यक्ति संपूर्णतः आपके कंट्रोल में आ जाएगा। 21 दिनों का उपाय है, मंत्र है क्र क्रुद्ध फट स्वाहा। मंत्र बराबर ध्यान से सुन लीजिए, क्र क्रुद्ध फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको एक कागज में लिख लेना है और उसको काली स्याही से लिखना है। इस मंत्र को आपको और शनिवार के दिन से इसको प्रारंभ करना है। इस कागज को आप ले लीजिए और आपके सिर के मध्य से आप लीजिए, जैसे यहाँ से आपने लिए, इसको आपने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे करते करते आप इसको इस पैर तक ले जाइए। फिर आप उसको इस हाथ में लीजिए और यहाँ से लेकर के इस पैर तक ले जाइए। ये क्रिया आपको 7 दफे करनी है और 21 दिनों तक लगातार कंटिन्यूसली इस क्रिया को करना है। जब आप इसको इस तरह से कर लेते हैं तो क्या करना है, इसको इस जो कागज था इसको आपको जला देना है और एक लोटे में पानी लेना है, उसमें इसकी राख आपको डाल देनी है बाकायदा, और आपके घर का जो कोना है वहाँ पर आपको इसको रख देनी है, राइट हैंड साइड के कोने में आपको रख देनी है। और सूर्यास्त के बाद इस पानी को आपको आपका जो भी पनिहारा है या कहीं पर भी वहाँ पर आपको ये डाल देना है। 21 दिनों तक लगातार ये क्रिया करनी है। धीरे धीरे वो व्यक्ति शांत होता चला जाएगा। 21 दिन के बाद उसके जो भी नेगेटिव विचार थे, उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी जा चुकी होगी। वो एक नॉर्मल व्यक्ति होगा और आपके घर के जो भी कलेश थे वो सारे ही जा चुके होंगे। यदि ये मेरा उपाय आपको अच्छा लगे और यदि आपके आसपास या जानने पहचानने वालों में ये तकलीफ हो तो उन्हें भी इस उपाय को बताइए, ताकि उनके घर में भी सुलह शांति का माहौल बन सके। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में आनंदित होते रहिए। धन्यवाद।